तो क्रेजी विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चाबी से दरवाजा ओपन कर चुका था, बड़े एक्साइटेड यहां पे थे कि मुझे क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। चड्डी मिलती है एक लड़की की, जो देख के ये भी गिर जाता है, क्या एक लड़की का अंडरवियर, भाई इसका मैं क्या करूँ। तभी सिस्टम में लिखा था कि ये जो अंडरवियर वाला है ना, एक समझो सील आइटम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होता है, किसी डेमोन से बिलोंग करता है। तो अपनी हेवली डेमोन कहती है, ओ माई गॉड ये तो भाई मेरी चड्डी, अगर आपको याद होगा बहुत पहली ब्रा मिली थी और अब ये चड्डी मिली है। टूटा नोस के जो सील ऑब्जेक्ट जिसमें अलग अलग उसका एबिलिटी यहाँ पे छुपी हुई है, उनमें से ये भी एक चड्डी था। तो कहती लाद यार मैं पहनने जा रही हूँ, तू बस देखना मत, हमारे में कटा भी लग एक डेमन जो कि अपनी चड्डी पहन रही है, मैं देख लूँ क्या। नहीं 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 बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना। हाँ तो 9 स्टील आइटम यहाँ पे थे, एक जो बरा था मिल चुका था, अब चड्डी मिल चुकी है, ये नहीं 2 आइटम यहाँ पे मिल चुके हैं। हालांकि ये आइटम उतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये पहन लेगी और मेरी बॉडी को कंट्रोल करूँगी ना, तो लिंक शेयर के साथ मैं आराम से फट करके ना उसको यहाँ पे हरा सकता हूँ। ये नहीं देखा जाए तो मेरा बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा फायदा वायदा यहाँ पे होने वाला है। और मनी मन ये सोच के भी एक्साइटेड होता है कि जो हेवली डेमोन आएगी चड्डी, ओ माय गॉड यार मजे ही आ जाएगा। वो आती है और जोर जोर से चिल्लाती कि मम्मी रे ये क्या हो गया, ये मेमोरी, ये इतनी सारी मेमोरी हमारे मेक अटक था, मेमोरी क्या हो गया मेमोरी में। ये भी कहती बहुत सारी मेमोरी आ रही है, हमारे मेक अटक भी कहते हैं हाँ तुम्हारी सारी मेमोरी यहाँ पे सील थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आइटम मिलेगा मेमोरी कवर होगी। लगता चड्डी पहनते कुछ ज्यादा ही जोरदार मेमोरी मिल चुकी है, बताओ यार कौन सी मेमोरी मिली है। तो ये भी कहती औरतें मुझे औरतें यहाँ पे चाहिए, 69 औरतें मुझे जल्दी से जल्दी ला के दो वरना मैं मर जाऊंगी। हमारा मैं कहता ब्लैक तो उससे बढ़िया लेस्बियन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, भाड़ में जाओ एक भी औरत तुझे मिलने वाली नहीं है। अब आते भाई बाहर साइड यहाँ पे लिंग शाही ना, वो स्पिरिचुअल फायर लेने को तैयार था, लेकिन जो बैरियर है ना बैरियर अभी भी मेंटेन है। तो लिंग शाही भी कहता है यार अपोनेंट को हराओ बैरियर हट जाएगा, मैंने लिंग शाही को हरा दिया मार दिया उसको, तो भाई हटो ना यार बैरियर। तो आवाज़ आती कि वेल नहीं अपोनेंट अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, वो मरा हुआ नहीं है, वो हारा नहीं है, तुम नहीं ले सकते। तो हमारा मैं कटर आ जाता है जिसको देखते लिंग शाही हिल जाते कि अभी साले तू जिंदा है, अभी जमीन पे मार के मैं तुझे पटक दिया था, मुझे लगा तो शायद मर गया है। हमारा मैं कटर कहता बिल्कुल ना। और ये देखो तो जो लाइटर यहाँ पे था ना, अभी लाइटर वो निकाल के आगे फेंकता है, और जैसे फेंकता है जो स्पिरिचुअल आगे ना वो ऑटोमेटिक लाइटर के अंदर ऑब्जॉर्व हुए जा रहा है। जो देख के बुड्ढा लिंग शाही दोनों मिल जाते कह रहे यार वो तो आग बिना हराए लाइटर द्वारा चोरी यहाँ पे कर रहे, वो लाइटर है क्या। लाइटर के बारे में फिर से लिख के आता है कि एक बच्चा यहाँ पे था जिसने गलती से एक सिगरेट पी लिया था, तो उसके माँ बाप ने बहुत उसको मारा, तो उसने ठान लिया कि एक ऐसा लाइटर यहाँ पे बनाऊंगा जो दुनिया का सारा आग यहाँ पे चूस लेगा। तो उसने ऐसा लाइटर बनाया और ये वही लाइटर है। हमारे में कटा भी लाइक वाह यार सारे का सारा स्पिरिचुअल आग मैंने ले लिया, मजे ही आ गया, पहले उसका लेता तो और मजा आ जाता। और जो लिंग शाही था उसको तो भाई आ जाता बहुत ही गुस्सा, और गुस्से के मारे वापस उसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाती, इस वजह पावर ना 100% यहाँ पे बढ़ी थी, वो देख सकता है गोल्डन फ्लेम बॉडी नाम की कोई बॉडी तैयार हो जाती काफी बड़ी सी। हमारा मेक कटा देखता पहले 50% बढ़ी थी 30 सेकंड के लिए, अभी 100% बढ़ गई है, इस बार तो कोई टाइम वाइम भी यहाँ पे नहीं है भाई, मानना पड़ेगा चोजन वन है ना, बस ऐसी इनकी पावर बढ़ती रहती है। फिर लिंग शाही बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है और ऐसा लगता है लिंग शाही मारा जा चुका है, ऐसा लगता है उसे तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि बड़ा आया मेरे से पंगा लेने वाला, मारा गया ना यार। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता ना हमारा मेक कटा एकदम सही सलामत हो कहते वाह यार हेवली डेमन को जो चड्डी है ना भाई कसम से बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पर आ गई, 80% यानी 80% जो भी अटैक ने सह लिया, बाकी 20% तो मैं भी आराम से सह सकता हूँ। जो देखते लिंग शाही को विश्वास नहीं होता कि भाई इतना बड़ा अटैक था, इसको कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। बुड्ढा भी कहता वही तो यार पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं, लिंग शाही को और गुस्सा आने लग जाता, कुछ भी हो जाए आज मैं तुझे मार के रहूंगा। बुड्ढा भी कहता यार कोई मतलब नहीं है लड़ाई वड़ाई करके, यार तुझे ना अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिंग शाही कहता बिल्कुल ना मैं नहीं निकलूंगा। बुड्ढा कहता निकल, तो ये बहुत ही जोर से लिंग शाही गुस्सा करता, कहता नहीं निकलूंगा मैं तो नहीं निकलूंगा, जब जब मैं इसके साथ लड़ाई करता हूँ तो जब जब कहता बस हो गया हार जाएगा बापा चल भाई कब तक मैं सहता रहूंगा, 30 साल का हो चुका हूँ अब मुझे बिल्कुल भी सहना नहीं है, अब मुझे लड़ना है और कुछ भी हो जाए भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं हटूंगा नहीं और मैं लड़ाई करूंगा। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने दी उसका दिल ने तोड़ के रख दिया, जिसके चक्कर में उसका जो 1000 वैल्यू पॉइंट है ना फेड वैल्यू वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारे मेक कटा भी लिया चूजन वन है ना भाई, समझो चूजन वन हैवन ने चूज कर लेके बेटे तू बन जा और सब कुछ उसको दे दिया, यानी छुई मुई सा लड़का होता है, बार बार उसको थोड़ा सा इरिटेशन मिलती है तो बात बात पे इरिटेट हो जाता है, जो कि हो चुका है और इसने ठान भी लिया। सिस्टम में ये भी लिख के आता कि वेल उसका फेड वैल्यू जा चुका है 0 हो चुका है, आप उसको जान से मार सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम का। हमारा मेक कटा भी कहता है इसी का तो मुझे इंतजार था, इतना बोल कर ना जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हमारा मेक कटा लिटरली एक ही हमला करता है, एक ही हमले के अंदर है ना वो मारा जाता है।
हमारा मेकर डब देखते भाव यार एक ही हमले के अंदर मारा जा चुका है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक सेकंड मार दिया ना तो सिस्टम में लिख के आप बधाई हो तुमने मार दिया, ये लो रिवॉर्ड, कुछ भी यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है। उतने में धीरे 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 लिंक शेक की बॉडी में कुछ तो हो रहा था, कुछ अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था, जो रिएक्शन देखे हमारे मेकर डब लाइक अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, नहीं ये कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये चल के आ रहा है। आराम से उसकी बॉडी हरी हरी हो रही थी। जो बुड्ढा यहाँ पे था ना, बुड्ढा भी कहता है अरे यार मैं तो इसको चाहता था कि भाई ये कल्टिवेशन करे और इसको मिलिटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का जो भी टाइम है ना ये उस लड़की नियंग के पीछे भागने के लिए और लिंग शव की बैंड बजाने के लिए ठान लिया था, जिसके चक्कर में आज इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन डोरी मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इतना बोलकर उसकी बॉडी में घुसकर अपना जो बॉडी पूरा है ना उस बॉडी का बोल सकते भाई ये पावर बढ़ा देता है, देख सकते का जब ही फॉर्म में आ जाता है। सिस्टम में भी लिख के आता है कि वेल यार वो मरा नहीं है बल्कि उसका और भी बढ़ चुका है, और देख सकते हैं अभी के लिए कितना कूल बन चुका है। हमारा मेकर डबी लाइक अबे यार ये चूजन बने तो क्या लिटरली सब कुछ बोले तो सब कुछ इस साले को दे दिया, और देख मरने के बाद भी है ना इसका ये हो चुका है, मेरा मिशन भी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ की बात है, मेरे साथ ऐसा ना करो जी। उसके बाद अनोई जो था लीन शाही अटैक वगैरह ऐसा करता है, और जैसे अटैक करता है हमारा मेकर डबी अटैक रहता है, पहले अटैक असर हो नहीं रहता क्योंकि 80% डिफेंस तो भाई मेरा ऑटोमेटिक चड्डी यहाँ पे रोक लेता है, लेकिन इस वक्त भी तकलीफ हो रही है, सोचो अटैक में कितना दम है, ये डिफेंस वाला चड्डी ना होता तो अटैक में तो शायद मेरी मौत हो जाती है। जो थी भाई अंदर साइड एक छोटी डेमोन और साथ ही में ये बंदर उसको बुला लेता है अटैक रोकने के लिए, तो बंदर भी कहता है मेरे ये कौन सा अटैक है तो बड़ा खतरनाक यहाँ पर है। हमारा मेकर डबी कहता है या तुम दोनों अभी के लिए निकलो यहाँ से, बाद में सोचेंगे, तो निकल जाता है। सिस्टम में पूरा डिटेल में लिख के आता है जो लिंग शाही मारा जा चुका है, लेकिन उसके साथ पील एम्पायर ये था, उसकी एक आत्मा यहाँ पे थी, उस आत्मा ने बॉडी को सपोर्ट किया और आज इतना कमाल का बन गया। हमारे मेकर डबी देखता है अच्छा तो ये उस बुड्ढे की आत्मा उसकी बॉडी में जा चुका है, ये एक आत्मा भी है ना यार, पूरा मेरा दिमाग का दही करके रख दिया, एक मामली सात्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो जो बंदर तो कहता है लेकिन उसने तो आपकी बैंड बजा दी, आप ही तो डर के मारे दूर भागे जा रहे हो। हमारे मेकर डबी कहता है क्या बोला साले, बंदर कहते ना मैंने क्या बोला, अरे मेरे को नींद आ रही है मैं वापस चला टावर में आराम करने के लिए, टावर में निकल जाता है। हमारा मेकर डबी लग डरपो कहीं का भाग गया साला, छोटी बच्ची तू मेरा काम करोगी क्या, वो भी कहती बोलो क्या काम है मेरे को ऐसे भी नींद आ रही है। अब आते भाई बाहर सड़, यहाँ पे सारे बंदे वेट करे कि भाई दोनों अंदर चले गए, दोनों में से कौन जीतेगा, कौन से सलामत वापस आएगा, और तभी हमारा मेकटर आता है। ये लोग कहते वाओ यार ये तो मेकटर वापस आया, एक सेकंड नहीं अब इसके पीछे कोई और भी आ रहा है, वही जो लिंग शायद जिसकी बॉडी के अंदर अभी के लिए बुड्ढे की आत्मा है वो भी आ जाता है और आती अटैक करना चालू कर देता है। तो हमारा मेकटर भी कहता भागो यार ये डेंजरस है, तो सारे बंदे भागते ध्यान जाता लिंग शाही के ऊपर कि भाई ये तो लिंग शाही है इसको क्या हो गया। लिंग शाही तभी आग का बना हुआ ड्रैगन तैयार करता है इनकी ओर चला देता है, और जैसे ड्रैगन इनकी ओर चलाता है ना वैसे डिवाइन एम्बेसडर भी कहता बस एक छोटा सा मामली सा ड्रैगन है, रुको यार मैं तुझे अपना पावर दिखाता हूँ। इतना बोलकर ना वो अपना कोई अजीब सही इल्यूजन वाला इमेज यहाँ पे तैयार करता है, जो ड्रैगन जितना ही बड़ा था तो उसका ड्रैगन इसका इमेज वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। तो बाकी बंदे कहते शिट या जो डिवाइन एम्बेसडर है ना वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जो ड्रैगन और जो लिंग शाइन वो भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन दोनों के बीच हम आ नहीं सकते इसलिए अपनी जान बचाओ भागो, तो सब दूर भागते। हमारा मेकर डबी देखते ठैंक गॉड सही टाइम पे डिवाइन एम्बेसडर को बटा के उसको मैंने अपनी टीम में ले लिया था, वरना लिंग शाइन की टीम में चल जाता और आज ना दोनों मिलकर मेरी बैंड बजा देते हैं। देखा जाए तो चूजन वन का नसीब तो बहुत ही सही है, मेरा नसीब था जो कि मैंने ठीक किया, वरना यार कुछ हो ही नहीं पाता। फनी जो लड़ाई ऐसी चलती है, लड़ाई चलते 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 एट एंड डिवाइन एम्बेसडर जो ड्रैगन है ना ड्रैगन को खत्म कर देता है, और कहता है बड़ा यार ड्रैगन होगा अपने घर में मेरे एरिया में नहीं, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।